मीनाक्षी, आपदा के बाद पिछले 2 दिनों में दूसरी बार मुख्यमंत्री यहाँ पर अभी प्रवास के लिए पहुंचे हैं और अभी लगातार मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त हम तपोवन में मौजूद हैं, जहाँ पर नीचे टनल के अंदर जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम चल रहा है। अभी अगर दूसरा दिन है, कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं, क्या स्थिति है मुख्यमंत्री जी? देखिए, अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है काफी नजदीक पहुंचने की संभावना है। लगभग 50 मीटर के आसपास जाने को शेष रह गया है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सलज जो आगे बढ़ा है उसके आगे वो नहीं बढ़ा होगा और वो लोग वहां पर सुरक्षित होंगे। तो 2-1 घंटे बाद कुछ जानकारी, अच्छी जानकारी मिल सकती है। इस संभावना के साथ वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। अगर अभी तक 2 दिन के ऑपरेशन की बात करें, जो कुल कितने लोग इसमें अभी गायब मिसिंग हैं, कितने शव आप लोगों ने बरामद कर लिए हैं, कितने आसपास के गांव प्रभावित हुए हैं? देखिए, अभी जो मिसिंग थे वो 203 के लगभग लोग थे, जिनमें से 24 शव ये बरामद हुए हैं और बाकी को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि काफी जो दलदल है वो वहां पर है, कई 20-25 मीटर गहरा तक है, तो उसमें उनको ढूंढने की कार्रवाई चल रही है। जो हमारी रेस्क्यू टीमें हैं, सेना है, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ है, वो सब अपने जान जोखिम में डालकर और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एक सवाल ऐसा लगता है कि 2013 की जो केदारनाथ की आपदा थी उस में जो कमियां रही, इस बार उनको पूरा करने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरा जोर लगाया और एक नई दिशा में काम किया। देखिए, जिस संवेदनशीलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी स्वयं जांच कर रहे हैं या दिशा निर्देश कर रहे हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि कल आप देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर 5 बार प्रधानमंत्री जी ने स्वयं फोन करके मुझसे बातचीत की है और कहा कि मुझे फिर रात को अपडेट दीजिए। जब प्रधानमंत्री जी इतनी गंभीरता से किसी समस्या को ले रहे हैं, उसी का परिणाम है कि तमाम जो यहां पर आर्मी हो, एयरफोर्स हो, यहां तक नेवी तक को भेजने की तैयारी थी, तो भारत सरकार की ओर से जितनी गंभीरता से और तत्परता से इसको लिया गया है वो बिल्कुल ये कहना चाहिए कि बेमिसाल है। मैंने भी जब मुझे जानकारी मिली तो मैं भी तुरंत 15-20 मिनट में ही देहरादून से मैंने प्रस्थान किया और हमारी जो यहाँ का प्रशासन है, एसडीआरएफ है, तमाम जो यहाँ पर पहले सबसे पहले आईटीबीपी जो यहाँ पर क्योंकि स्थानीय थी तो रेस्क्यू ऑपरेशन ने शुरू कर दिया था। मैं समझता हूँ कि ये आपदा का समय है और इस समय अगर हमारे सबसे पहला कोई प्राथमिकता है तो जिनको बचाया जा सकता है उनको बचाना है। आखिरी सवाल, आप दूसरी बार यहाँ पहुंचे हैं, कब तक आप लोग, आपको लगता है कि हालात यहाँ पर सामान्य हो जाए, खासतौर से जो लोग फंसे हैं और जो कनेक्टिविटी ऐसा है, कनेक्टिविटी के लिए सेना से और जो बीआरओ यहाँ पर सारी सड़कों को देखता है, तो उसके जो चीफ इंजीनियर हैं मिस्टर राठौर, उनसे मेरी कल ही बात हो गई थी और वो कहीं बाहर थे और वहां से वो रात तक ऋषिकेश पहुंच गए थे। अभी हमारे पास यहाँ पर जो बैली ब्रिज है वो 54 मीटर का उपलब्ध है, ये इसके लिए हमको 60 मीटर चाहिए, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कि 8-10 दिन इसमें या थोड़ा कम समय भी लग सकता है, यहाँ पर ये वैली ब्रिज हम बना देंगे। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो दूसरी बार इस मौके पर पहुंचे हैं जहां पर इस वक्त भी जो रेस्क्यू का काम है, खासतौर से जो दूसरी टनल में अभी भी 35 से ज्यादा लोग फंसे उनको निकालने का काम चल रहा है, वो लगातार यहां पर समीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहां पर सभी एजेंसियां, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भारतीय सेना, वायुसेना, सभी युद्ध स्तर पर खासतौर से जो लोग अभी फंसे उनको बचाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन रितेश के साथ मंजीत नेगी।